बस खाली मौसी को थोड़ा सा अफसोस रह गया कि इनका जो है पोता नहीं आ पाया, इनकी बहू रानी नहीं आ पाई। हाँ, इतना नजदीक में रह के नहीं आया तो दुख नहीं होगा। तारापीठ पुराना मंदिर है, तो नया मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, ये वही स्थान है क्या जहाँ पर महिषासुर का वध हुआ था? शायद इसलिए महिषी नाम पर आया इधर का। तो मेरे नाना नानी तो अभी जीवित है नहीं, तो नाना नानी अगर जीवित रहते और देखते कि अपनी गाड़ी से हम आए हैं और अपने नानी गांव आए हुए हैं, कितने खुश होते। बहुत मिस कर रहे नाना नानी आपको। नानी घर से तो घूम के आ गए जी, मामा मामी से भी मिल लिए, उनका आशीर्वाद ले लिए। फिर हम सोच रहे थे कि जो हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, लेकिन मौसी कहे कि नहीं, मतलब यहाँ पर आए हो लगभग 10-12 साल बाद, एक दिन कम से कम रुक जाओ। और यहाँ पर बगल में मंदिर है, माँ तारा स्थान है, जो कि महिषी में शायद आता है ना वो। हाँ, महिषी, महिषी माता है। तो कहे कि वहाँ पर चले जाओ एक बार, वहाँ पर पूजा पाठ कर लो, हमको भी पूजा पाठ करा दो। हम कहे कि चलो कोई बात नहीं, बेटा को पाले हैं, जन्म सिर्फ नहीं दिए, दूध भी पिलाए हैं, क्योंकि तब तक शादी हो गई थी और बेटी पैदा हो गई थी, 2-4 साल का था। तो इसलिए उस बेटा के साथ में तारास्थान पूजा करने जाएंगे, वो अपने गाड़ी से हमको ले जाएगा, इससे ज्यादा खुशी क्या होगा। इसलिए इसको कह दिए, जो हम कह दिए वही बात होगा, जाना है तो जाना है। तो आपकी आदेश जो है सराखों पर, तो चलते हैं अब। तो गाड़ी इधर लगी हुई है जी, और गाड़ी को पहले से ही इस मुंह में मोड़ लिए थे ताकि निकालने में आसानी हो। 20 minutes later तो जी गाड़ी में हम लोग तो बैठ गए हैं और हम लोग जो है लगभग सफर तय भी कर चुके हैं। तो सामने है माँ तारा का मंदिर और वहीं पर हम लोग चलते हैं। मुश्किल से लगता है कि हम लोग शायद 5 मिनट में हम लोग वहाँ पर होंगे, मेन महिषी के गाँव में हम लोग पहुँच। तो सीधा चलते हैं जी। तो जी हम पहुंच गए तारा मंदिर, जो कि महिषी में है। सीधा चलते हैं अंदर और पूजा करते हैं। यहाँ पर हम आए हैं जी बहुत दिन बाद, और जब हम आए थे आखिरी बार तो समय हमारा मुंडन हुआ था यहाँ पर। तुम बहुत छोटा था, बहुत छोटे थे, और बहुत सालों बाद आए हैं, और रूपरेखा तो ज्यादा नहीं बदला है, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा कुछ बस विकास हो गया है, दुकान बढ़ा है, दुकान सा बढ़ गया है। हम लोग जी मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करने जा रहे थे तो यहाँ पर जो अपने को सब्सक्राइबर मिल गए। तो पहले तो मालूम चला कि सब्सक्राइबर है, फिर मालूम चला कि आंटी के सभी रिलेटिव हैं। आंटी क्या कहना चाहेगी? मतलब ये पंचायत समिति में थे। अच्छा, इनके पूर्व पंचायत समिति, इनके बोर्ड से ही हम प्रमुख बने। अच्छा, और पंचायत समिति तो अलग का रिश्ता है, लेकिन ये हमारे घरेलू देवर भाभी का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर रहेगा। आइए हुए दामाद जी। अच्छा, इनके शादी में हम नहीं आ सके, बिटिया रानी है, नहीं आ सके, इनका बेटा है। अच्छा, मोनू का शादी नहीं था तो हम नहीं यहाँ थे। तो अंकल बोले, क्या सुनील अंकल, जो हम कहेंगे कि जानबूझ के नहीं जा रही है, बोले नहीं नहीं, हमारा वीडियो जो दिखेगा उसको पता चल जाएगा कि गांव में नहीं है। अच्छा, ये हमारे बहुत अच्छे देवर जी हैं। चलो अच्छा लगा, अच्छा कहे उतना कम है। चलो अच्छा लगा, दामाद जी को दिन दुना रात चुगुना बेटा आगे बढ़े, यही शुभकामना है। तो आप लोग भी आइएगा आज के ब्लॉग में, ठीक है? आज नहीं कल आ जाएगा। हाँ, अच्छा लगा जी, अपने सब्सक्राइबर यहाँ भी है, धन्यवाद आप सभी का। मौसी का तो हो गया जी परिक्रमा, अब ऐसा करते अब हम भी जा करके कर लेते। हमारी हो गई जी मंदिर में पूजा, और मंदिर में पूजा कर लिया, और पूजा करके यहाँ पर काफी अच्छा लगा जी। किसी भी धार्मिक स्थल में जब भी जाते हैं, अलग ही शांति जैसा महसूस होता है, जब वहाँ का अंदर का जो माहौल होता है ना, अंदर का जो वातावरण होता है, वहाँ पर मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं जो भी यहाँ पर पुजारी सब होते हैं, घंटी का जो आवाज होता है, अलग ही एक लगता है जी। और जब अंदर में जा करके जो है जल वहाँ पर अर्पित करते हैं, कुछ अलग ही है जी। मन करता है कि बार बार मंदिर आते रहे, और आते भी रहते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा बचपन बीता है इसी क्षेत्र के आसपास, तो यहाँ हमारे लिए कुछ और भी खास हो जाता है। लगभग 10 साल पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, उस समय हमारा मुंडन हुआ था, जैसा कि कुछ दिनों पहले बताया, आप भी छोटे थे, लेकिन अभी तक पूरी याद ताज़ा है। एक बार मैं आपको यहाँ से मंदिर का नज़ारा दिखा देता हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे, अगर आप सहरसा आए हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाइएगा, और यहाँ का वीडियो जरूर डालिएगा। तो चलिए जी, आप लोग के कहने पर आ गए, और हमारी मौसी ने भी कहा था यहाँ आने के लिए, यहाँ पर आ गए जी। बात क्या है कि जो भी लोग, तुम्हारा मुंडन हुआ था ना, बिल्कुल छोटा था, तुमको बहुत कुछ याद नहीं होगा, बहुत छोटा था। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा लोग जो है यहाँ का है, जो बाहर है, कोई विदेश में है, कोई कहीं पर है, तो उन सब का कमेंट आ रहा था कि आप वहाँ पर गए हैं तो एक बार वहाँ जरूर चले जाइएगा। तो आपके जरिए हम लोग भी दर्शन कर लेंगे घर बैठे बैठे। तारापीठ पुराना मंदिर है, नया मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है।
पैदा नहीं हुए थे तब से ही इनका नाम सुन रहे थे, लेकिन थोड़ा समय का परिवर्तन हुआ तो इसमें अच्छा डेकोरेशन हो गया। अच्छा, ये वही स्थान है क्या जहाँ पर महिषासुर का वध हुआ था? शायद इसलिए महेशी नाम पर आया इधर का। तो चलते हैं जी। तो हम लोग जी निकल रहे थे, निकलने से पहले सोचे कि थोड़ा सा मिठाई भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ का मिठाई जो है मम्मी सबको बहुत पसंद है, और यहाँ पर करवा रहे हैं जी पैकिंग। सबसे ज्यादा है ये प्रसाद का इम्पोर्टेंट है। हाँ, मिठाई तो सब जगह मिलता है लेकिन यहाँ के कुछ अलग इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रसादी है इसके रूप में लोग। हाँ, हम तो प्रसाद भी खाते हैं और यहाँ का स्वाद भी अच्छा लगता है। ये क्रियांश के लिए ले रही है, क्रियांश के लिए तारास्थान का है तो पोता को ले रही है, और सिंदूर बिंदी लिए है बहू के लिए। अच्छा, और दीदी के लिए। अच्छा, तो चलो हम पहुँचा देंगे। A few moments later. पूजा पाठ के बाद जी सारी खरीदारी हो गई, और आंटी जी अभी वर्षा को फोन कर रही है। वर्षा कह रही थी कि जब तक वहाँ पूजा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। तो आंटी यह बता रही है कि यहाँ पर पूजा हो गया है, अब वर्षा जो है अपना अनुग्रहण कर लेगी। और हम लोग चलते हैं अब यहाँ से कुछ, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कुछ पास के इलाके में कि कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो खाएंगे हम लोग। तो वहाँ से तो निकल गए जी, और बीच रास्ते में थोड़ा रुके हुए हैं चाय पानी के लिए, और अभी हम रुके हुए हैं नवटा ब्लॉक के पास। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि चुनाव का जो है यहाँ पर घोषणा हो चुका है। कुछ धरना है, तो धरना हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ को लेकर के हो रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, हो सकता है कि शायद सुनने में आपको दिक्कत हो। मेरी जो मौसी है इसी ब्लॉक में कभी प्रमुख थी, तो देख सकते अभी वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा संगमरमर पर श्रीमती आभा सिंह। तो जी अब आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर, और मौसी यहाँ पर है। मौसी से यही बातचीत चल रही थी कि यहाँ पर जो है मौसी लगातार दो टर्म रही है प्रमुख, और यहीं पर मौसी का दफ्तर था जो टाइल्स पर आपने देखा कि लिखा होता श्रीमती आभा सिंह, तो प्रमुख थी। और उसके बाद क्या हुआ था, शायद यह नगर निगम बन गया वो। नवहट्टा पूर्वी अलग पंचायत था, पश्चिमी अलग पंचायत, 14 पंचायत का ये ब्लॉक था, उसमें 12 पंचायत में चुनाव हो गया मुखिया जी का, 2 पंचायत मिला करके 1 पंचायत किया गया है नगर निगम। नगर निगम बना दिया गया, नगर निगम का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव होने वाला था, आरक्षण का रोस्टर गलत था, कैंसिल हो गया पूरे बिहार का, और फिर से नया रोस्टर होगा उसके बाद। अच्छा, देखिए कौन सा सीट होता है, अगर जनरल महिला का सीट होगा तो हम दावेदार हैं। बिल्कुल, जनरल सीट अगर होगा तो मेरे घर से ही उम्मीदवार होंगे, और ओबीसी का होगा या अत्यंत पिछड़ा का होगा। चुनाव तो अलग बात है जी, मौसियों से ही जनता के बीच में रहती है, और जब पद पर थी बहुत लोगों का कल्याण की, बहुत लोग मिलते भी हैं तो बताते हैं उनका जो कार्यकाल था उस समय बहुत सारा काम हुआ। The next day. तो जी घूम लिए अपना नानी घर, और घूम लिए अपनी मौसी का घर, और अच्छा खासा समय इस बार बिताए हैं, तो काफी अच्छा लगा। बस खाली मौसी को थोड़ा सा अफसोस रह गया कि इनका जो है पोता नहीं आ पाया, इनकी बहू रानी नहीं आ पाई। हाँ, इतना नजदीक में रह के नहीं आया तो दुख नहीं होगा, बेटा से पोता हुआ कितना गौरव का बात है। जब भी आंटी जाती थी सोने के लिए एक बार जरूर याद करती थी कि अभी वो रहता है मेरे साथ सोता भी। पोता का नाम हम खुशखुशियां रखी है उसका, बेटा से पोता हुआ जिगर का टुकड़ा नहीं हुआ। सही बात, एकदम हम भगवान को कहते हैं जहाँ कहीं भी रहे फले फूले, बड़ा होगा तो दादी को याद करेंगे, और उसका जब 1 साल होगा तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। हाँ, बस भगवान सब कुछ सही रखे, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ दूसरा बात हो जाता है, तो इसलिए तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर बर्थडे मनाया जाएगा, और मौसी को आना है, पहुँचेंगे ही पोता के बर्थडे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, और जाने से पहले जो है एक बार फिर से इस पोखर को थोड़ा निहार लेते हैं, काफी अच्छा नजारा है, बत्तख सब भी देख रहे हैं भर के है, मछली खाता नहीं है लेकिन पोखर से इसको कमजोरी है, आपको बड़ा अच्छा लगता है देखना, खाता इसलिए नहीं है जी मेरे पास में रहा, दुर्भाग्यवश कुछ हो गया मेरे साथ तो हम मछली खाना छोड़ दिए, इसलिए मेरा बेटा मेरे साथ रहा तो कभी हम खेबे नहीं किए थे, नहीं खाया। चलिए कोई बात नहीं जी, तो अब चलते हैं यहाँ से, सीधा चलेंगे अब जिया के नानी घर, उन सभी को लेंगे वहाँ पर, और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे जिया के घर के तरफ, तो जिया की मम्मी को वहाँ ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कटिहार, तो थोड़ा लंबा सफर है अभी। तो जी हम घर से निकल गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं, और यहाँ बीच रास्ते में रुक गए हैं, हमें ध्यान है जब भी नानी घर से जाया करते थे तो हम लोग बस से जाते थे, किराए वाली बस, यहाँ से लेकर के फिर हम लोग जाते थे सहरसा स्टेशन, और सहरसा स्टेशन से फिर अपना कटिहार का ट्रेन पकड़ लेते थे हम लोग। और इस बीच में हमको ध्यान है नवहट्टा से वो सहरसा पहुँचने तक इतना रोते थे हम, और ऊपर से क्या होता था बस में जो है ना पुराना जमाना का गाना सब, वो जो सब होता है एकदम सैड सॉन्ग सब चल रहा होता था, और इमोशन का जो ओवरफ्लो हो जाता था उस समय। तो मेरी नाना नानी तो अभी जीवित है नहीं, तो नाना नानी अगर जीवित रहते और देखते कि अपनी
तैयारी से हम आए हैं और अपने नानी गांव आए हुए, कितने खुश होते और उनको भी आसपास का जो भी मंदिर था अपनी गाड़ी से घुमाते। दुर्भाग्यवश उनका पहले ही स्वर्गवास हो गया। बहुत मिस कर रहे नाना नानी आपको।